नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में लगाए जाने वाले मेगा फूड पार्क के बारे में। जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, चुनावी वादे के अनुसार बिहार के लोगों को समय समय पर उद्योग जगत से जोड़ने की पहल देखी जा रही है। वहीं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे शाहनवाज हुसैन ने भी बिहार में उद्योग क्रांति लाने की जिद ठान ली है। यही कारण है कि समय समय पर बिहार में नए नए उद्योग को स्थापित करने की पहल भी उन्होंने शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार के उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत अब जल्द ही बिहार को मेगा फूड पार्क मिलने वाला है। इसका ऐलान खुद ही हाल ही में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री की मौजूदगी में की है। यह फूड पार्क बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में खोला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ता तथा खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है, ताकि मूल्यवर्धन को अधिकतम, बर्बादी को न्यूनतम, किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही मेगा फूड पार्क का प्रस्ताव बियाडा की तरफ से केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, शाहनवाज हुसैन भी इसी कोशिश में दिन रात जुटे थे, जिसका फल ही यही रहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को यह सौगात दे दी गई। मेगा पार्क बनाने के ऐलान के साथ ही इस पार्क को बनाने में कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसका ब्यौरा भी पेश कर दिया गया है, जिसके तहत इस पार्क को बनाने के लिए कुल मिलाकर के 400 करोड़ रुपए का बजट पेश करने की बात कही गई है। आधारभूत संरचना में 103 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसके तहत लगभग 30 औद्योगिक इकाइयां आएंगी। इन 30 औद्योगिक इकाइयों के आने के बाद से अब लगभग 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा, यानी कि बिहार को 103 करोड़ के निवेश की राशि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसके तहत ही 103 करोड़ में से 50 करोड़ का अनुदान केंद्र सरकार देने वाली है और लगभग 300 करोड़ का निवेश अन्य निवेशकों की मदद से मिलेगा, जिसके बाद ही कुल मिलाकर इस मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मेगा पार्क बन जाने से बिहार वासियों को काफी फायदा मिलने वाला है। वहीं इससे बिहार में रोजगार के नए दरवाजे भी खुल जाएंगे। जानकारों की माने तो बिहार में मेगा पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू होते ही यह 5000 लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे को खोल देगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस तोहफे का फायदा बिहार के युवाओं को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी यही राय है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उद्योग मंत्री शाहनवाज जी के साथ ही बिहार की जनता को बधाई देते हैं। शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में बिहार में उद्योग की शुरुआत हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का लाभ किसानों को और बिहार के बेरोजगार युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश भर में फूड पार्क का जाल बिछाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही कारण है कि अब तक केंद्र सरकार ने कुल 42 मेगा फूड पार्क बनाने की योजना तैयार कर ली है। इनमें से 40 पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं, बाकी बचे 2 मेगा फूड पार्क को मंजूरी मिलनी थी, जिसमें से 1 मेगा फूड पार्क बिहार को दे दिया गया है, जो कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में विकसित किया जाएगा, जिसके तहत अब जिन राज्यों में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है उनमें आंध्र प्रदेश में 3, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 1, बिहार में 2, छत्तीसगढ़ में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में 1, कर्नाटक में 2, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 3, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 2, पंजाब में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 2, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 मेगा पार्क है, जिसके तहत अब तक केंद्र सरकार की योजना के तहत 42 में से 41 फूड पार्क बनाने की योजना सफल हो चुकी है। हालांकि बिहार समेत कई ऐसे राज्य है जहां फूड पार्क अभी निर्माणाधीन है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।